नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी तो हवाई जहाज में सफर किया ही होगा। अगर नहीं भी किया तो टीवी और फिल्मों में हवाई जहाज के अंदर का माहौल देखा होगा। फ्लाइट में आपके कंफर्ट का ध्यान रखने के लिए एयरलाइन बहुत से फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेस को अपॉइंट करती है। इन फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेसेस की चार्मिंग पर्सनैलिटी हर किसी को अट्रैक्ट करती है और इन्हें देखकर हम सबके मन में ये बात जरूर आती है कि इनकी जॉब कितनी बढ़िया है। जॉब करते करते फ्री में ये पूरी दुनिया घूम लेते हैं। इनकी सैलरी और डेजिग्नेशन भी अच्छी होती है। कुल मिलाकर इनकी लाइफ सेट है। लेकिन दोस्तों, चीजें जैसी नजर आती हैं हमेशा वैसी नहीं होती। फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग हो या जॉब, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एयरलाइन और फ्लाइट अटेंडेंट से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हैरान करने वाली हैं और इसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एयर होस्टेस को एक ही साइज की यूनिफॉर्म दी जाती है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सभी एयर होस्टेसेस को सेम साइज की यूनिफॉर्म दी जाती है। यूनिफॉर्म को उनके साइज का बनाने के बजाय उन्हें खुद यूनिफॉर्म के साइज में अपने फिगर को ढालना पड़ता है। इसके लिए उन्हें 1 महीने का टाइम भी मिलता है और ऐसा इसलिए है ताकि वो खुद को फिट रखें और एक आइडियल वेट से उनका वेट ना कम हो ना ज्यादा। उन्हें सैलरी सिर्फ हवा में उड़ने की ही मिलती है। जी हाँ, फ्लाइट अटेंडेंट्स की पेमेंट सिर्फ उतने ही घंटों की होती है जितने घंटों की उनकी फ्लाइट होती है। यानी टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक के बीच जितना टाइम उन्होंने हवा में बिताया होता है उन्हें उतनी ही पेमेंट मिलती है। टेक ऑफ से पहले और लैंडिंग के बाद के कामों के लिए वो जितना भी टाइम फ्लाइट पर बिताती है उसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। टैटू बनवाना हो सकता है खतरनाक। फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए टैटू बनवाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि सिर्फ कुछ ही ऐसी एयरलाइंस हैं जो इसे परमिट करती हैं। जो एयरलाइंस इसे परमिट करती भी हैं, वो भी इसे फ्लाइट के वक्त कवर करने को कहती है। किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट का टैटू या बॉडी पियर्सिंग पैसेंजर्स को नहीं दिखनी चाहिए। एयर होस्टेस को अपनी ग्रूमिंग का रखना पड़ता है ध्यान। अगर कोई फ्लाइट अटेंडेंट अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान नहीं देती है तो उसकी नौकरी के लिए खतरा भी हो सकता है। फ्लाइट अटेंडेंट्स को हमेशा ही अपनी बॉडी को एकदम टिप टॉप रखना पड़ता है। उनके फेस पर ज्यादा बाल नहीं हो सकते और उनके बाल हमेशा सही से बंधे होने चाहिए। उनके कपड़ों पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। वो अपने बालों को बहुत रंग बिरंगे तरीके से डाई भी नहीं कर सकती हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स अपने प्रोफेशन के इंसान को डेट कर सकते हैं। अपने काम की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स का ज्यादातर वक्त फ्लाइट में ही बीतता है। ऐसे में कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ भी इस काम से जुड़ जाती है। फ्लाइट में ज्यादातर टाइम साथ बिताने की वजह से एक एयर होस्टेस का दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट या पायलट के साथ अफेयर होना बिल्कुल आम है। आपको इनमें कई शादीशुदा जोड़े दिख जाएंगे। इस प्रोफेशन में आपको इसकी परमिशन है। एयर होस्टेस अपने हाथ पीछे क्यों रखती है? जब भी आप फ्लाइट पर बोर्ड करते हैं तो आपने देखा होगा कि सीढ़ियों के पास एक एयर होस्टेस खड़ी होकर मुस्कुराते हुए आपका वेलकम करती हैं। पर आपने कभी नोटिस किया है कि वो अपने हाथों को हमेशा पीछे बांधे रहती हैं? दरअसल वो वहाँ सिर्फ आपका वेलकम नहीं कर रही होती, उसका असल काम तो पैसेंजर्स की गिनती करना होता है। पर अगर वो हाथ आगे करके उंगलियों पर फ्लाइट पर चढ़ने वाले लोगों की गिनती करे तो ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा, इसीलिए वो अपना हाथ पीछे किए रहती हैं और इसी तरह काउंटिंग कर लेती हैं। अड़ियल बदतमीज पैसेंजर्स को काबू में कर सकती हैं एयर होस्टेसेस। फ्लाइट के दौरान कई ऐसे पैसेंजर्स भी फ्लाइट में होते हैं जिनके अंदर ना तो बेसिक मैनर होता है ना ही बात करने का तरीका। कभी कभी तो वो अपनी हरकत से सारे पैसेंजर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एयर होस्टेस को ट्रेनिंग में ही ऐसे अड़ियल और बदतमीज लोगों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास हमेशा जिप टाई मौजूद होती है जिससे वो ऐसे लोगों का हाथ बांध सकती हैं। साथ ही उन्हें ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सीट बेल्ट की मदद से किसी को भी सीट पर ही बांध दिया जाए। एयर होस्टेस पैसेंजर्स की बॉडी लैंग्वेज को करती है नोटिस। जब आप
फ्लाइट में एंटर कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक एयर होस्टेस खड़ी होकर आपका वेलकम करती हैं। वो सिर्फ पैसेंजर का वेलकम करने के लिए नहीं बल्कि उसे हर पैसेंजर की बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करना होता है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि इसमें कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो आगे चलकर फ्लाइट में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फ्लाइट के दौरान चाय कॉफी नहीं पीती हैं एयर होस्टेसेस। कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक एयर होस्टेस ने बताया कि चाय कॉफी या सूप जैसी चीजें जिसमें गर्म पानी की जरूरत हो फ्लाइट अटेंडेंट्स पीने से अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्म पानी के लिए यूज होने वाले वाटर टैंक कभी साफ नहीं किए जाते और वो होते भी हैं टॉयलेट के बिल्कुल पास में। उसने बाकियों को भी सलाह दी कि फ्लाइट के दौरान हमेशा बॉटल या कैन में मौजूद लिक्विड मांगना चाहिए। फ्लाइट में एयर होस्टेसेस कहां सोती हैं? कई बार फ्लाइट्स काफी लंबी उड़ान भरती हैं। 12 से 15 घंटे की फ्लाइट के दौरान पैसेंजर्स तो अपनी सीट पर ही सो जाते हैं पर फ्लाइट अटेंडेंट्स का क्या? क्या वो सब पूरे टाइम जागते रहते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी नोटिस करें तो आपको समझ आएगा कि लंबी उड़ान के दौरान बीच बीच में कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको नजर नहीं आएंगे। दरअसल वो सोने चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे वो आखिर कहाँ सोते हैं क्योंकि ऐसी तो कोई जगह फ्लाइट में नजर नहीं आती। तो आपको बता दें कि सीक्रेट सोने की जगह फ्लाइट की गैलरी के ऊपर या नीचे रहती है और ये उन फ्लाइट्स में होती है जिन्हें लंबी उड़ान भरनी होती है। क्या एयर अटेंडेंट्स फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, फ्लाइट के दौरान आपके फोन यूज करने पर मनाही होती है। अगर आप अपना फोन निकालकर यूज करना भी चाहें तो एयर होस्टेस आपको फौरन मना कर देती है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि वो खुद भी फ्लाइट के दौरान फोन का इस्तेमाल नहीं करती तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फ्री टाइम में फोन चलाती है और फ्लाइट के फ्री वाईफाई का आराम से यूज भी करती है। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हमारी आज की वीडियो। अगर फ्लाइट के दौरान आपके साथ कोई यादगार किस्सा हुआ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।